एक से बढ़ के एक अमेजिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर कॉमेडी स्टोरीज देखने को मिलेगी, तो 2024 की ये टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ शिवा? मर्डर। तो एक टॉयलेट के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जिसका बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी किडनी निकाली गई थी। साथ में खूनी ने नेक्स्ट टारगेट का भी नाम छोड़ दिया है। तो ये खूनी कौन है? होमोसेक्सुअल्स का ही खून क्यों करता है? ये मर्डर मिस्ट्री एक पुलिस ऑफिसर एक जर्नलिस्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो नंबर 10 पे है मर्डर इन महिम सीरीज, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है। इसके स्टारकास्ट में है विजय राज एंड आशुतोष राणा, एंड दोनों की ही जोड़ी काफी कमाल की है। तो अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस थ्री इन्वेस्टिगेशन सीन भी इंटरेस्टिंग है, तो जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। 5 लोग मिलकर लूट कर ही नहीं सकते, कैसे। नंबर 9 पे दो वेब सीरीज हैं। इस सीरीज की एक एक एपिसोड आपको खूब हंसाएगी। तो कहानी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जिसमें काम करने वाले लोगों की अपनी चाह है। कोई कोर्ट में अपनी केबिन चाहता है, तो कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो कोई बस लोगों की काटना चाहता है। तो किस तरह से इन सभी की चाह कहानी में नई नई मुसीबत के साथ ढेर सारी कॉमेडी सीन्स आती है, ये आप इस सीरीज के 8 एपिसोड में देख सकते हो, जो अप्रोक्स 30 मिनट की है। तो नंबर 9 पे है कॉमेडी सीरीज मामिया लीगल है, जिसमें आपको अमेजिंग कॉमेडी देखने को मिलेगी। उनकी मौत पॉइजनिंग से हुई। तो नंबर 9 की सेकंड सीरीज है सनफ्लावर सीजन 2, जो एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है, जो सोनू नाम के एक आदमी की कहानी है, जिसके अपार्टमेंट में एक मर्डर होने के बाद किस तरह से ये इसमें इन्वॉल्व होता है, खूनी कौन है, ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी मिस्ट्री सीरीज देखना चाहते हो तो G5 पे देख सकते हैं। 2024 की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी एक जंगल की है, जहाँ पे एक के बाद एक लोगों की अजीब तरह से खून हो रही है, एंड सभी का कहना है कि ये खून एक वनराची करती है जिसे किसी ने नहीं देखा। तो असली खूनी कौन है, वनराची का रहस्य क्या है, ये सब अपना इंस्पेक्टर ऋषि फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो 7.2 के IMDb रेटिंग के साथ नंबर 8 पे इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज, जिसमें 10 एपिसोड्स है। सीरीज में सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा, तो प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। तो नंबर 7 पे दो अमेजिंग वेब सीरीज हैं। तो कहानी एक औरत के ऊपर है, जिसके हस्बैंड के खून होने के बाद किस तरह से वो उसके इलीगल बिजनेस को मैनेज करती है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, ये सीरीज की कहानी है। तो पहले से दो सीजन आ चुकी है जो अच्छी है, अब सीजन 3 दो पार्ट्स में आई है जो काफी मजे देगी। तो नंबर 7 पे आर्या सीजन 3, जो क्राइम थ्रिलर सीरीज है, एंड अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगी, तो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। वोपिंग 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ सेकंड सीरीज है रणनीति, जो पुलवामा अटैक के बाद इंडिया के तरफ से दी गई जवाब की कहानी है, जिसमें थ्रिल एक्शन ये सब है, बट शो की पेसिंग धीमी है। सीरीज में डायलॉग सीन्स बहुत ही ज्यादा है जो इंगेजिंग नहीं है। तो 9 एपिसोड की ये सीरीज जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। और इन्हीं बिचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 मिलियन रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। तो जंगल के अंदर एक के बाद एक हाथियों को मारा जा रहा है, जिसके दांत को बेच के वो सभी अंधा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या कोई इनकी बेरहमी को रोक पाएगा, या ये सभी जंगल के हाथियों का सफाया कर देंगे? ये नंबर 6 की वेब सीरीज की कहानी है, जिसका नाम है पोचा। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जो हाथियों के साथ हो रही दरिंदगी के साथ अच्छी ट्विस्ट एंड क्लाइमेक्स दिखाती है। मींस ये सीरीज ऐसी होगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ लोगों को सीरीज शायद ना पसंद आए, बट काफी अमेजिंग सीरीज है, कुछ हट के देखने को मिलेगा, तो प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। नंबर 5 पे दो वेब सीरीज है, जिन दोनों की ही सीजन 3 अब आ चुकी है। तो अनदेखी की सीजन 3 सीजन 2 के इंसिडेंट बात शुरू होती है, जहां सभी कैरेक्टर्स की पास्ट, उनसे जुड़ी सस्पेंस, मिस्ट्री, ये सब देखने को मिलता है, जो आपको अमेज करने वाली है। सेकंड सीरीज महारानी की सीजन 3 भी अब इंटेंस हो चुकी है। रानी भारती अपने पति के खून के केस में जेल में है, बाहर एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है, शराब को पानी की तरह बेचा जा रहा है, तो कैसे सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा, रानी भारती क्या करेगी, ये इस सीजन में देख सकते हो, जो सोनी लिप पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सीरीज ऐसी है जो पसंद आए या ना आए, बट इग्नोर नहीं कर सकते। कहानी हीरा मंडी की है, जहां पे तवायफ राजा महाराजाओं को खुश करती है, बट किस तरह से उनकी आपसी मतभेद, ग्रीड, फियर, एंगर, रिवेंज, नई परेशानियां खड़ी करती है, उनकी जीवन को अफेक्ट करती है, इन सब के ऊपर ये सीरीज है, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है। तो नंबर 4 पे है हीरा मंडी, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं, एंड सीरीज ओके है, थोड़ी लंबी महसूस होती है, बट एक बार देखना शुरू करोगे तो पसंद आती है। सोनाक्षी एक अमेजिंग कैरेक्टर में देखने को मिलती है, जिन्हें मनीषा काफी आराम से डोमिनेट करती है, तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये नंबर 1 पे होती, बट सीजन 3 से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहानी अभी भी वही है, गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, जिसके बीच में आए मुन्ना भैया को निपटा चुका है, बट कालीन भैया एंड शरद शुक्ला के साथ और भी गिद्ध किस तरह से उसे मिर्जापुर के गद्दी पे बैठने से रोकेंगे, ये सीजन 3 की कहानी है। तो नंबर 3 पे है मिर्जापुर, जिसकी सीजन 3 सीजन 1 एंड 2 के मुकाबले ना तो सीरीज के डायलॉग्स अच्छे हैं, ना ही कोई ऐसे सीन्स है जो आपको याद रहे। कहानी को अनप्रेडिक्टेबल करने के लिए बस उन सभी कैरेक्टर्स को मारा गया है जिनकी मरने की उम्मीद नहीं होती। गुड्डू पंडित के साथ कोई भी अमेजिंग कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, बट हां इसके बाद भी इसे मिस नहीं कर सकते, तो प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। तो अगर कुछ अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो ये सीरीज किसी भी कीमत पे मिस मत करना। इसमें इमोशन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिल सब है, क्योंकि ये सीरीज एक सीरीज नहीं बल्कि एक इमोशन है, जिसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ही एंजॉय करते हैं। कहानी जेई की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर है कि उन्हें इस टफ एग्जाम के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, एंड कैसे गॉड फिगर उन्हें पढ़ाने के साथ उन्हें गाइड भी करता है। तो नंबर 2 पे है कोटा फैक्ट्री सीजन 3, एंड मेक श्योर कि आपने इसके दो सीजन पहले देखी है, वरना पूरा मजा बर्बाद हो जाएगा। इस सीजन भी 5 एपिसोड्स देखने को मिलती है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे
देख सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 सीरीज की, जो देखोगे तो देखते रह जाओगे। कहानी इतनी सिंपल एंड स्वीट है कि इसमें डूब जाओगे। ऊपर से इसके एक एक कैरेक्टर जीवन भर आपको याद रहने वाले हैं। तो नंबर 1 पे है पंचायत सीरीज, जिसकी सीजन 3 आ चुकी है। एंड अभी तक आपने इसकी सीजन 1 एंड 2 नहीं देखी तो प्रभु कृपा करो, बस एक बार इसका एक एपिसोड देखिए ना। तो सीजन 1 एंड 2 की कहानी को कंटिन्यू करते हुए अब मुद्दा यह है कि क्या सचिव जी वापस गांव आ पाएंगे, उनका एंड रिंकी का क्या होगा, एंड इस बीच अपना बन राक्षस क्या क्या कांड करेगा, ये सब आप सीजन 3 में देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।